सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या होता है, कफ कोल्ड होता है। सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या होता है, खांसी होती है, बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी। सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा ठंड लग के बुखार होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारे पेट के अंदर में दिक्कत होती है, यानी कि अपच बनती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम बनती है। तो सर्दियों के अंदर में देखी जाने वाली ये सारी की सारी समस्याएं हमेशा परेशान करती हैं, हर व्यक्ति को परेशान करती हैं, खास करके जिसका इम्यूनिटी लेवल काफी डाउन है, जिसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल क्षीण है, बिल्कुल खत्म है। तो ऐसे व्यक्तियों को तो हमेशा तंग करेगी ये बीमारी। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एक कॉम्बिनेशन में बना के दूंगा आपको। आज आपने सेवन करना चालू करना है, पहले दिन से आपकी प्रॉब्लम खत्म। और ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा वो भी जरा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए आपने क्या करना है, अच्छी क्वालिटी का गाय का घी ले लेना है। गाय का अगर नहीं मिलता है तो भैंस का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। अच्छी क्वालिटी का घी आपने लिया, गाय या फिर भैंस, कोई भी जैसे आपको ठीक लगे। अब आपने 50 ग्राम काली मिर्च लाके पीस के पाउडर बना के डिब्बे में डालकर रख लेना। आपने लंच और डिनर के बाद में आपने क्या करना है, एक चम्मच गाय का घी या एक चम्मच भैंस का घी, उसके अंदर में एक से डेढ़ चुटकी, करीब करीब दो चुटकी लगा लीजिए, काली मिर्च डालिए, अच्छे से मिक्स करिए, थोड़ा सा उसके अंदर में थोड़ा सा मिश्री का पाउडर डालिए, आधा चम्मच करीब उसके अंदर में डालिए, मिक्स करिए, यानी एक से डेढ़ चम्मच घी, इसको आप बाउल में भी रेडी कर सकते हैं, एक से डेढ़ चम्मच घी, आधा चम्मच मिश्री पाउडर और दो चुटकी काली मिर्च, इसको अच्छे से मिलाइए, पेस्ट बनाइए और इसका सेवन करिए। सेवन करना है लंच के बाद में और डिनर के बाद में। अब इसके फायदे कौन कौन से मिलेंगे, एक तो जिनकी लो इम्यूनिटी है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल कमजोर मर गया है, उसको जिंदा करेगा ये नुस्खा। सेकेंड नंबर पे हम बात कर रहे थे जिनको सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, जिनका हमेशा तासीर बिगड़ के कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हुई रहती है, हमेशा बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी हमेशा तंग करती है, तो आप इसका सेवन करना चालू करिए। आपको बलगम ही नहीं बनेगा, आपको सूखी खांसी नहीं होगी, आपका छाती रुका हुआ वो भी खुल जाएगा, बलगम भरा हुआ वो भी निकल जाएगा, गला रुका हुआ वो भी खुल जाएगा, गले में खराश है वो भी ठीक हो जाएगी, इसके अलावा नाक बहरी है वो भी ठीक होगी। ये बहुत फायदे वाली चीज आपको मैंने बताई है। अब बात करते हैं पाचन तंत्र की, जिनका पाचन तंत्र खराब है, खोखला हो चुका है, खाया पिया हजम नहीं होता, हमेशा कब्ज बनी रहती, गैस बनी रहती है, और गैस बनने से हमेशा स्तर चकराया रहता है भैया, तो ये फॉर्मूला बना के इस्तेमाल करिए, पहले दिन से सारी प्रॉब्लम छूमंतर नहीं हो जाए तो बता देना मेरे। अब हम बात करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो की। ब्लड फ्लो में रुकावट कब आती है, जब हमारी नसों के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमता है, और जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में जब भेजता है एक तरह से, तो ऐसे में दोस्तों अगर हमारी नस के अंदर में थोड़ा सा भी कचरा है, थोड़ा सा भी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, वो उस फ्लो के साथ में बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, जिस फ्लो के साथ में वहां से फेंका गया है, तो ऐसे में क्या होगा, अवरोध पैदा होने की वजह से पीछे हार्ट के ऊपर में प्रेशर बढ़ जाता है, जिसमें बीपी की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, और ऐसा होने से स्ट्रोक लगना या फिर हार्ट अटैक आना, ये आम प्रॉब्लम आजकल देखी जाती है। तो इसलिए नसों को क्लीन रखना, नसों को साफ रखना, बैड कोलेस्ट्रॉल को भगाना ये नुस्खा करेगा। आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तो आपको घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। आपके बहुत सारे व्यक्तियों को एक तरह से एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, वो आपको नहीं होगी। क्यों? आपकी मेमोरी को भी शार्प करता है, ब्रेन को भी तेज करता है ये फॉर्मूला। और अगर आपकी याददाश्त अगर मजबूत रहेगी, ब्रेन आपका अगर स्ट्रांग रहेगा, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ना आपको एंजाइटी होगी, ना आपको याददाश्त संबंधी प्रॉब्लम होगी, ना आपको दिल संबंधी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आपको इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं इसका सेवन कितने दिन करना चाहिए। इसका सेवन आप महीना भर करिए, 25 दिन करिए, 20 दिन करिए, एक महीना से लेकर 45 दिन तक इसका सेवन अगर आप कर लेंगे तो आपके शरीर की सारी दिक्कत ही छूमंतर कर देगा ये छोटा सा प्रयोग। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी जानकारी दोबारा पाने के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि फ्यूचर अपडेट आपको डेली मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।